इंटरनेट कनेक्शन देने के नाम पर रुपए अटने वाले ठग गिरोह के दो सदस्यों को आज खालपाड़ा चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेट का कनेक्शन देने के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह के दो सदस्यों को आज बर्धमान रोड से गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आज बर्धमान रोड स्थित एक अपार्टमेंट में इंटरनेट का कनेक्शन देने के लिए दो युवक पहुंचे थे। इस दौरान अपार्टमेंट के मनीष अग्रवाल ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद इसकी जानकारी खालपाड़ा चौकी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मनीष अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले दोनों युवक ने उन्हें भी इंटरनेट कनेक्शन दिया था, जिसके लिए उन्होंने रुपए भी दिए, लेकिन उसे कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला। तब उन्हें पता चला कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज फिर वही दोनों युवक इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए अपार्टमेंट में पहुंचे थे, जिसकी खबर उन्हें मिलते ही वे अपार्टमेंट में पहुंचे और दोनों को पकड़कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। वही पुलिस अब दोनों के माध्यम से उनके गिरोह में और कौन कौन शामिल है इसकी जाँच में जुट गयी है। दो आदमी ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए आया था इनका घर में। उन लोग क्या करता है, बोलता है जितना कनेक्शन का चार्ज ऑफिशियली, उसके अलावा 1500 रुपये हमको एक्स्ट्रा दे दिए, इंस्टॉल कर देगा। एक्चुअली ऐसा सेम काम इन लोग हमारा घर में 2 से 3 महीना पहले किया था। हमसे जो कनेक्शन का चार्ज था उसके अलावा 1500 रुपये लिया और कनेक्शन जोड़ के चला गया, लेकिन वो कनेक्शन 12 घंटा से बेसी नहीं चला। उसमें 12 घंटा के बाद में लाइन आना बंद हो गया। उसके बाद हमने उसे कंप्लेन किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अल्टीमेटली हमने वो कनेक्शन सरेंडर कर दिया और जो ऑफिशियल पैसा जो दिया हुआ था जियो कंपनी को, उसमें से कुछ पैसा काट के उन्होंने रिफंड कर दिया। तो आज जब वही आदमी इन लोग का इसका घर में जब आया, तो इनकी वाइफ ने मेरी वाइफ को कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया है, दो आदमी, कहीं वो आपका घर में जो कनेक्शन किया था वही आदमी तो नहीं है। मैं जब आया तो उन लोग तब तक इनका वाइफ से 4000 रुपये ले चुका था, 2500 रुपये पेटीएम करवाया कंपनी ने और 1500 रुपये कैश लिया, अनऑथराइज कलेक्शन किया कि हम लोग को मैडम कार खरीदना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, तो 1500 रुपये हमको एक्स्ट्रा दे दीजिए। जब उन लोग आया तो मैंने पूछा कि तुम लोग ही हमारे घर में कनेक्शन किया था, आगे तो डिनाई कर दिया। फिर हम थोड़ा डाटा उन लोग को पुलिस का धमकी दिया, तब उन लोग स्वीकार किया कि सर आपका घर में कनेक्शन हम लोग किया था। एक्चुअली ये पूरा इन लोग का गैंग है, हम लोग का अपार्टमेंट में 3-4 जगह भी ऐसा कनेक्शन किया है। इन लोग एक बार कनेक्शन चालू कर देता है तो विद इन 24 आवर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं। फिर मैंने 100 नंबर में डायल किया, पुलिस आया और अभी फिलहाल उन लोग को पुलिस फॉरी खालपाड़ा टाउन आउटपोस्ट जो है वहाँ पे उन लोग को लेके गए। इन लोग कोई गैंग का दादा है। अब इन लोग किस प्रकार से कैसे पब्लिक को चीटिंग कर रहा है, ये काम पुलिस का इंक्वायरी करने का, क्योंकि इन लोग का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो समझ में नहीं आया। इन लोग कैसे क्या काम कर रहा है इन लोग कैसे, लेकिन इन लोग ये बात पक्का है कि ऐसा कंप्लेन बहुत है। कंपनी भी इस कंप्लेन में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। মনে কি এরা চুলিতে মানে চিটিং আছে টোটালি আচ্ছা এরা টোটালি চিটিং বাজি করে এক জায়গা থেকে কানেকশন দিচ্ছে 24 ঘন্টা কানেকশন ওদের পাওয়ার চলতেছে নেক্সট কারো কাছে রিকোয়েস্ট আসেছে কি আমার কানেকশন লাগবে তো যাকে কানেকশন আগে দিয়েছে ওখান থেকে কানেকশনটা ডিসকানেক্ট করে অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছে তার মানে দুই জায়গা থেকে পয়সা এরা করে নিচ্ছে এখান থেকেও পয়সা করছে ওখান থেকেও পয়সা করতেছে আর পড়ে না এদেরকে ফোন করলে ফোন তুলে না